कराची आर्ट्स काउंसिल में सहरोज़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किया। गेस्ट ऑफ ऑनर्स में मोहम्मद अहमद शाह, नूरुल हुदा शाह, सलीम साफ़ी, इफ्तिखार आरिफ, मुशाहिद हुसैन, नज़ीर लगारी और सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह जैसी कदावर शख्सियात शामिल रहीं। फेस्टिवल में होने वाले मुख्तलिफ सेमिनार्स के दौरान कई मौजूद पर डिबेट की गई, जैसे सिंधी फोक कल्चर, आवर फ्यूचर एंड क्लाइमेट चेंज, अ बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ शेख अयास, पाकिस्तान आज और कल, डिफरेंट बुक इनॉग्रेशंस और लेजेंड्स ऑफ सिंध जैसे प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। आइए आपको भी 6th सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की सैर करवाते हैं। सबको वेलकम कर रहे हैं, सलीम साफी साहब आपको भी हम वेलकम कर रहे हैं सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में। मेहमान चीफ गेस्ट है सरदार शाह ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त जेकॾहिं इहे फेस्टिवल असां रोकींदासीं अल्टरनेट छा आहे, उन लाइ वधीक असांखे असांजो अॼु मौजूदु महिमान चीफ गेस्ट चीफ मिनिस्टर सिंध तमामु एनर्जेटिक आहिनि, उन मां तमामु घणो एक्सपेक्टेशन अथनि, तमामु घणो कुझु करे चुका आहिनि, हिननि सिंध सूबे लाइ तमामु शानदार कमु थियल आहे। ऐं हाणे छा था करणु चाहिनि ऐं हिन प्रोग्राम जे हवाले सां साईं जन जे ख़्याल में छा आहे, छा हुजणु खपे तव्हांखे ज़ोरदार ताड़ियुनि में। सैयद सरदार शाह साहब, वज़ीर सकाफ़त सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, स्टेज ते वेठल नसीर मेमन शाह, मोहम्मद अहमद शाह इटवीर आहिनि सदर आर्ट्स काउंसिल, शमसुलक मेमोर साहब, नूरुल हुदा शाह साहिबा, साईं मदद अली शाह, मुंहिंजो कोठाणो एजाज तुर्क साहब, फ़कीर एजाज़ुद्दीन साहब, जावेद चाडियो साहब, साम्हूं वेठल अदब सां तालुक रखंदड़ ऐं हिन शहर कराची जे सूबे सिंध बल्कि सभिनी सूबनि जा उत्सव काफ़ी साहब वेठा आहिनि। हाणे दोस्तो अस्सलाम वालेकुम, सभिनी खां पहिरीं त मां 6 सिंध लिटरेचर फेस्टिवल पर मूंखे हिन नाले ते थोरो इतिहासु न चवंदुसि, पर हिन जो नालो अगरि सिंध अदबी मेलो हुजे हा त उहो बहितर थिए हा। मुंहिंजो इहो रिक्वेस्ट हूंदी त हाल सां हिन जो नालो ॿुधाए सिंध अदबी मेले जो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल सां अंग्रेज़ी सिंधीअ जे इम्तिजाज़ सां को ॻाल्हि कोन्हे, पर हिकिड़ो बहितर मुंहिंजी तजवीज़ आहे, तव्हां वधीक खां अदब जे बारे में ॼाणो था त हिन 6 सिंध अदबी मेले ते मुनक़िद थियण ते सभिनी खे मुबारक थो ॾियां ऐं आउं इहा उमेदु थो कयां त अहिड़ी सिहतमंद सरगर्मियूं जारी रहंदियूं ऐं असांजी समूरनि माण्हुनि में नवां नवां अदीब, दानिश्वर, मूसिकार ऐं रिसर्चर पैदा थींदा रहंदा। सिंध सूफ़नि जी धरती आहे ऐं पाण कलंदर जी धरतीअ जो हिन धरतीअ कलंदर भिटाई सचल थर्मस्त वेदल फ़कीर हज़ारे अहिड़ा सूफ़ी शाइर ऐं सूफ़ी क़िस्म सां तारुक माण्हू पैदा कया आहिनि
उनकी वजह ही है जो अस सिंध के अमर की धरती चूं था। ये सरदार शाह बम उछलाइ अस हमारे का जवाब दिया पर भाऊ बम उछलाइंद और अस बम पकड़ा धमालू कहो धमाल की जबान गाइंद उनके सामू ही हूँ बाकी असा को बम उछलाइ तो उनके जवाब खैर इन अदबी मेल में ये गाल कर मुनासिब तो कोई पर मुझे तुझी जी गाल कर रिसर्च अदब मुस्की गदी के समाज जहाँ अड़ा हथियार जैसा समाज अगत वे तो असाज समाज में अस कुछ बिखू अगत वूँ था तो मत वरी के न के अड़ी गाल वाकया थन था जैसा वरी अस पान के संभाले अगत वो पा अजकल वरी अड़ो माहौल एक चुको है सरदार शाह साहब तमाम घड़ो उनके फेस तो करें अहमद शाह साहब उनको जिक्र करके मू अड़े अदबी मेलन जो अदबी निश्चितन जो मुखालवत ता कर या मजाक का होता है मजा तो प्यो न इन धरती से पान सा था एक कंथ जो इन कर जरूरी है तो ये अदबी मेला ये मुलाकातों जारी रहन कुछ भी अगत में इतने अस उर्दू फेस्टिवल भी उनके अलावा आर्ट्स काउंसिल भी घर थी है मेरे ख्याल पाकिस्तान में कें जाए थे एतरा अदबी इवेंट्स मुनद को थे इतने का थन मेरे ख्याल को खाली कौन तो वही आर्ट्स काउंसिल इमारत या ये लॉन खाली रहे शायद ईद के ढी या मुहर्रम के ढी तो शायद न कह हुए बाकी इतने को नो इवेंट थो ही है मुख्य यह खुशी थी है तो इन टिन दिन के अदबी मेले जो इनवान माहौलियाती तब्दीली रखी वो है खास तौर पर इन साल जी बोर्ड आई जैमें लखन की तादाद में मानू लेखक थे अस गणप कई है वी लख घर जिमें 14 लख घर मुकम्मल तौर पर तबाह थे 6 लख घर जुज़्वी तौर पर तबाह थे यो माहौलियाती तब्दीली की आगाही लाइ भी एक सुो मौको है इन अदबी मेले में मानू इन मुकालमा पढ़ा इनकी गाल इन बोर्ड के दौरान आऊँ सलाम तो पेश क्या उन सभी के एडी दुख्याई में एडे मुश्किल वक्त में तो मिसाल लिया तो जैसे बोट आई एक चक्कर हणी अची कराची पौतुस हूँ पान के सफा लाचार थे समझो कि एडी आफत है अला साई की एडो आजमाइश है इन से कें मोचंदो या बी तो सफा खामोश की वेह रहे हम मुझे जवाब को पर मू ये जे इन मोहन राजा अंकल है उनका जो जज्बा था वरी निकली पुस जैसे हर जगह के वासी कोशिश कई अला साई तमाम वही एक आजमाइश में अस ये चंद शुरू किया में खास तौर पर आज पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरकारी साहब को शुक्र जरूर कस तो अंग्रेजी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुझी अंग्रेजी कमजोर है उर्दू कमजोर है सिंधी कमजोर है कभी न समझो तो कें जबान से मुख्य उबूर आज को पर लावल साहब ही लेट फ्रॉम द फ्रंट अस सभी के सरदार शाह साहब बैठा उन्हें गवाह उन्हें पा अस इन बोर्ड में मानू के दरमियान मौजूद हुए मानू से गण की गाल कई हाँ योजना अदबी मेलो है इनमें भी तमाम सुनो है माहौलियाती तब्दीली जो उनवान इन रखियो वो है एक सिंधी अदीब ने दानिशन जरूर कस कोशिश सिंधी उर्दू बियन बोलियन ाले अदीबन से वक्तन पर वक्तन मिल रहा दानिश्वर का समाज के बारे में पुछंद रहा इन्हों का रहनुमाई वो रहा पर एक मसलो यो है दानिश्वरी समाज
दलील की कुवत बधाने वाला हर वक्त हुकूमत से परे रहने वाले हर सरकार के खराब चवन की रिवायत पैदी हुई है। अभी हम सिंध से बाहर निकल के लाहौर गए थे और पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल किया। सरदार शाह साहब चार दिन तक वहां मेरे साथ थे और ये जितनी नफरतें और बातें और सिंध और बलोचिस्तान पूरे लाहौर ने अपने बाहें खोल के हमारा इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फंक्शन किया हमने। सिंध का पैगाम लेके गए। मैं सिर्फ सिंधियों को यह कहता हूं, चाहे कुछ भी मुखालफतें हो, कुछ मसले हैं शाह साहब, दोनों शाह साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी आ गई है, टाइम बदल गया है। इसी तरह पंजाब में भी कुछ मुट्ठी भर लोगों ने सरदार शाह ने जब तकरीर की 600 साल के रिश्ते की, मैंने जब बताया कि ये सिंध हमेशा से लीड करता है पाकिस्तान को, 1935 में सिंध ने करारदाद मंजूर की थी, फिर पाकिस्तान बचाने का जब भी टाइम आता है तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान खप्पे। सिंध ने सबसे बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कुछ लोगों को एतराज था कि ये सिंध ही कहां से आ गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पूरे पाकिस्तान से लोग ट्रेवल करके आए, सरदार शाह को घेर के रखा हुआ था, सेल्फियां मना रहे थे, गवादर से, कोयटा से, मुजफ्फराबाद से और सवाबी से और स्कर्दू से, और एक नेशनल यूनिटी का एक पूरा इतिहास जो हमारा प्लान है। कुछ आवाजें सिंध से भी उठी, वेरी डिस्ग्रंटेड, डिजेक्टेड एंड रिटार्टेड एंड रिजेक्टेड पीपल हु डोंट नो, हु डोंट अंडरस्टैंड द विजन बिहाइंड ऑल दिस। ये बहुत वेल थॉट एक प्रोग्राम है। पाकिस्तान को एथनिक तकसीम, डिवाइड, सेक्रेटेरियन डिवाइड, एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटिकल बाय डिजाइन डिवाइड से टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया। जो आर्ट्स काउंसिल भी आप पे सब कुछ कर रहा है वो भी सिंध गवर्नमेंट की ग्रांट से है, और वो आप ये ना समझें कि आपको सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही या कोई और नहीं कर रहा। ये मैं चाह रहा था कि ये एक मैसेज, जो नफरत को तेजी से फैलाते हैं और आपको पता है कि उसकी आग जो है वो तेजी से फैलती है, और मोहब्बत जो है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। कल्चर का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे और सारे पाकिस्तान को एक कड़ी में बांधेंगे।